हैदर ने जो है ना शादी मेरी अब्बा अम्मा ने जबरदस्ती करवाया था, मरे हुए अब्बा को भी नहीं बख्श रहे, अपनी बहन जो सामने आ रहे उसको भी नहीं बख्श रहे। हाँ, जब अपने अपने बाप के ऊपर तोहमत लगा सकते हैं वो औरत किसके हो सकते हैं। चलो शोहर तो आने जाने के, शोहर तलाक भी होते हैं, शादियां चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, तो अपने जिसने पैदा किया उसका नहीं हो रहा है पहली बात। अपने बाप के ऊपर तोहमत लगाने से पहले 100 बार इसको सोचना चाहिए था कि घर तुमने छोड़ा था, प्यार तुमने किया था, घर वालों को परेशान तुमने किया था, अभी देखो कर रहे खुद दूसरे के ऊपर। वो कहती है मैं दूध की धुली हूँ, मैं बिल्कुल मासूम सी थी, मैं किसी को प्यार करती थी, फिर इन्होंने मुझे काला काली करके, हैदर के दो बच्चे थे मुझे उसके साथ ब्याह दिया, उसके बाद मेरे ऊपर जो जुल्म के पहाड़ टूटे वो तो मैं बता नहीं सकती। रोना धोना मक्कार औरत रोना धोना शुरू हो जाती है, इस बेहया औरत के अंदर थोड़ी सी भी हया शर्म नाम की चीज नहीं है, इसका दूर दूर तक न सच के साथ कोई रिश्ता है न हया शर्म के साथ कोई रिश्ता है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है, दूसरों को गुमराह करती है, दूसरों को नुकसान देती है और दूसरों को लूटना जानती है और कुछ नहीं जानती। अभी आपके बारे में कहती है ये फेक है, ये इसका कजन है, ये है वो है, तब आपका कजन क्यों नहीं उठा था 1 साल पहले, तब भी इसके चरित्र के ऊपर किसी ने क्यों नहीं दाग उठाया था, जैसे कह रही अभी मेरे ऊपर ऐसे कर रहे हैं, मुझे दाग लगा रहे हैं, मुझे गंदा कर रहे हैं। मेरा कोई कजन नहीं है, हमारा कबीले का फर्क है, उसको खुद बता रहा है इधर जकरानी है वो कौन है, खुद भी नाम बता रहे फिर भी बोल रहे कजन है। अरे डूब के मर, कब तक लोगों को गुमराह करोगे, कब तक उसके कास्ट अलग है जी, अब तक इन्होंने इंडिया वालों ने इनको कुछ माना, अच्छा इज्जत दिया, प्यार दिया, उनसे भी धोखा कर रहे, जिस पाकिस्तान में पली बड़ी हुई उनका इज्जत मिला घर वालों को, फिर भी इन्होंने हर गलती इसकी कबूल किया था, मान के शादी को स्वीकार करके मेरे साथ मेरे घर वाले इनके घर वाले रह रहे थे, रीमा हो सुमेरा हो इनका अब्बू हो सब अच्छी तरीके से रह रहे थे, बोलते मुझे दो दो दिन भूख पे पड़ा हुआ था, बहन ज्योति इतनी झूठ देखो, चूहा आके तुम्हें देता होगा ना, चूहा पार्सल करता होगा टच फोन से, मैं तो बच्चों को खिलाऊंगा, अरे अभी क्या बोलूं, हमें देख रहे हैं बहुत खातून, अल्लाह की कसम मैं एक जैसे मैं इनको समझाऊं, सही बात है, मैंने कहा चूहा मरा हुआ चूहा इसको खाना बेचता होगा पार्सल, तुम है दिल के दिल था तेरी लानत पड़े थी जिंदगी पे भोला, वही तो कह रही हो सर, चेहरे पे भी नहीं छूटते कंजर इंसान, पता नहीं कौन सा तू कीड़ा क्या, अभी मैं आपको बैठ के बोलूं कंजर, ये बहुत तेज है सर, ये टच के साथ जब अल्लाह पाक ने ऐसा इनके साथ जो सलूक करना था ना, ऐसे गलीज के साथ उनके साथ जैसे देखो उनके साथ भी जो ढोंग कर रहा है, अपने मैसेज तक नहीं मान रहे, अपनी चार्ट तक भी इनकार कर रहे, अपनी बातों तक जो मुझे इंडिया से ढोंग करने के मेरी जात से मुझे मैंने जाके इंडिया से लेके आए, किसी को अपना मान के ये बात नहीं करता था, अपनी बातें बताता था, मुझे जुल्म हो रहा है, वही वीडियो अगर मैंने इंडिया के चैनल पे दिया बोलते ये भी फेक है, वो भी फेक थे, अभी ये भी फेक है, हम भी फेक है, इनका जो रीमा बहन भी फेक है, ये पता नहीं पैदा भी फेक से हुआ है, असल से नहीं है, इसको पूछो तो सही। सही बात है, और टच फोन से चूहा भेजता होगा, ऑनलाइन पार्सल भेजता होगा, भूखी बैठी होती थी ना, खाना वाना भेजता होगा, मरा हुआ चूहा चोरियां कर करके भेजता। मैं उन सुनने वालों पे हैरान होता हूँ, आज जो है इंटरनेट ने इतना तरक्की की, इतना मासूम बन के सुकून से बेवकूफ बना रहे, आराम से बेवकूफ बना रहे, तो ये देख रहे ना आज मैं कामयाब हो चुका हूँ, मगर उसके चेहरे पे उसकी शक्ल से आप देखना, एक झूठ तो झूठ इंसान बोलता है ना, उसका दिल जो है ना, यकीन करो अगर उसको अच्छी तरीके से देखोगे आपको पता है ये झूठ बोल रहा है जी, मुझे ये तजुर्बा है इसका बिल्कुल, जो पढ़ने वाले लोग हैं चेहरे को समझते हैं उनका एक अंदर खबर से पता चलता है कि ये कितना तक झूठ बोल रहा है। अच्छा मुझे इसकी ये बात, ठीक है इसका बाप रिक्शा चलाता था, ठीक है इसके बाप का घर था दिया हुआ, तो इसने अपनी बहनों का हक कैसे खा लिया, अपनी बहन रीमा का हिस्सा नहीं दिया, भाई को नहीं दिया, तीसरी बहन को नहीं दिया, सबका हिस्सा उठा के चोरनी भाग के चली गई, चूहे के ऊपर लगाया, एक मैं कह रहा हूँ कि ये एक ड्रामा है, ये हम कहते हैं कि ड्रामा कब खत्म होगा, इनको जेल में डाले काली कोठी में, दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं 5 मिनट का काम है, ऊपर वाली रात का कसम 5 मिनट का खेल है, एपी सिंह कुछ प्रॉपर्ट हो जाएगा, ये खुद माफी मांगेगा इंडिया के लोगों से, गिड़गिड़ाएगा, जो दो चित्तर इसके मुंह पे मारे ना वो बुड्ढा,
आपका साला बुढ़ा तो अभी बोल रहा है, पहले किधर था बुढ़ा? नहीं देखो, जहाँ जो सही है गलत है वो कह रहे हैं ना कि हमें ठीक है जांच करवाई जाए, तो किस बात की देर है? अभी करो, आपके मुल्क में हमारे साथ तो नहीं बैठा हुआ, हम इसको अभी के अभी इनका असलियत बता देते। आपके मुल्क में आप उठो सब, एक औरत को 1 साल होने वाले सब तालियां बजा रहे हैं भाई, अच्छा कर रहे हैं। अफसोस है खुदा की कसम, इंडिया का महान मुल्क है, महान लोक में रहने वाले लोगों को सबको धोखा दे रहे हैं, एक बंदा भी उठ के इसका असलियत नहीं बता सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सारा भारत एक हो जाए ना, हर साल करे निकाले से बाप होता है, पुलिस होता है, सुरक्षा एजेंसी होता है, सबके बड़े हैं, ऐसा नहीं कहते वो इंडिया के या पाकिस्तान में, दो मिनट का काम है, पुलिस बुलवाएगा सच्चाई इसके अंदर, अगर सच्चाई पे आए तो 2 मिनट में इसका असलियत जाहिर करेगा, 2 मिनट भी ज्यादा है। मेन मसला तो 4 बच्चों का है, इसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना इसको इंडिया इसे एक्सेप्ट करेगा, ना इसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। 4 बच्चों का मसला है, मुझे पूछे रात्र से खुश होती है, मैं पाकिस्तान की बड़ी है, जो दुनिया का पाकिस्तान का हमारा सरमाया है, जो ये चला गया इसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, नहीं ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का सरमाया है, जैसे इसके पास जो है मुल्क में अंधेरा आ चुका है, इसकी जरूरत है हमें। हाँ, पाकिस्तान का जूता मुंह में लेके खाती है, चबाती है बेगैरत औरत, पाकिस्तान का तो अपने मुंह में जूता लेके खाती रहती है, फिर उस पाकिस्तान को तो कहती है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। अरे लानत है, ऐसा पाकिस्तान हमारा नहीं है जो तुझ जैसी गद्दार बेटी को अपने पास रखेगा या तुझे अपनी बेटी बनाएगा, लानत है तुझ पे, ऐसी बेटी ना होना ठीक है, किसी का भी नहीं है ना, ये हिंदुस्तान का बेटी है ना ये पाकिस्तान का बेटी है, इसका अंत जो आप देखना, इसका किरदार, इसका करेक्टर पूरा खराब है, एक झूठ के प्रणाशक पड़ा हुआ है, बीवी नहीं बन सकी, जो अच्छी बेटी नहीं बन सकी, तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं, चलो हमारा तो नहीं बना, मगर जिन्होंने अपनाया, अफसोस एक बात का है, जिन्होंने जिन्होंने अपनाया उनसे भी झूठ है ना, जिन्होंने अपनाया है, जिन्होंने उनको इज्जत दे रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, उनके लिए जिदोजहद कर रहे हैं, चलो हमारा मुखालिफ है, हमारा चलो मुखालिफ ही चाहिए, उनका साइड तो दे रहे हैं ना, उनसे भी धोखा, हमें तो हमें देखा रहे, कोई मसला नहीं है, चलो पाकिस्तान छोड़ा किस मुंह से जाएगा, इसलिए उसको जितना मुखालिफ करना होगा पाकिस्तान का वो करेगा, ये हमें भी पता है अच्छी तरीके से। ये पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहती है, पाकिस्तान का जूता अपने मुंह में लेती है, गलत गलत बातें करती है हमारे पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क के बारे में, फिर ये किस मुंह से कहती है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ? फिजा आप नहीं समझते, ये इसको खुश कैसे करे, देखो कोई भी अगर चला भी जाता क्यों बोलता, बोलता हमारा मुल्क है, मैं क्यों बोला बोला बोलू, एक सिर्फ खुश करने के लिए लोगों को तसल्ली दे रहा है कि मैं आप लोगों का हूँ, कोई भी अगर इंडिया के भी तमाम लोग इधर आते हैं, इंडिया के पाकिस्तान में जाते हैं, कोई किसी को मुर्दाबाद तो नहीं कहलाता, ये खुद से मैं किसी का अपना कैसे बनू, किसी को जल्दी अपने जाल में कैसे फंसाऊ, कैसे कैसे ड्रामे कर रहे हैं आप, खुद इस बातों में नजर नहीं आता, नजर आता है, चलो, सब कुछ नजर आता है। चलो मसला मेरे से था, मुल्क से तो नहीं था ना, चलो कह रहा है कि हैदर मुझे मारता था 5 मिनट के लिए, मानो चलो हैदर उसको मारता था, मुल्क तो उसको नहीं मारता था, इधर के दीन इस्लाम मुल्ला क्या कहता है, ये मुल्ला है, ये पता नहीं जहादी है, ये आप देखो तो सही इस औरत को, इसके कहने से क्या सब कुछ ऐसे बन जाएगा, जहादी की जगह होती है जेल में, वो ऐसे बाहर नहीं घूमते, इतनी सबको पता है जहादी कैसे होते हैं, चलो मेरे साथ किया ऊपर वाला उसको सजा देगा, जिन्होंने अपनाया है उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं, बस 100 बात की एक बात हमारी मुखालिफ ही सही, मगर अगर उनके साथ भी मैं सोचता चलो इधर से तो ये गया, किसी के साथ तो वफा कर रहे है, किसी के साथ तो अच्छा कर रहे है, ये सिर्फ इंसान को यूज करना जानती है, यूज करके टिश्यू की तरह फेंकना जानती है और कुछ भी नहीं, लूटना भी बड़ा खूब जानती है, रोना धोना भी बड़ा खूब जानती है, देखो यूज असल ये खुद होता है, ये किसी को यूज क्या करे, ये खुद यूज होता है, पागल कह रही हूँ, इसके साथ क्या कुछ हो जाता है इसको समझ नहीं है, फिर कैमरे के आगे आके अपनी सच्चाई अपना ढोंग ले आते हैं, हम भी भारत के लोगों को यही कह रहे हैं ना कि आप इनकी जांच करो और जेल में डालो, 1 साल है यही हो रहा है ना, हम क्या कह रहे थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जांच की जाए, अगर तेरी जांच की जाती तो क्या हो गया, वहाँ की हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही, हमारी ये समझ नहीं आता, उल्टा बाहर पुलिस के पहरे दे के उसको बिठाया हुआ है, क्यों? वही तो, अगर हम क्या कह रहे हैं, 1 साल होने वाले, हम यही मोदी जी से योगी जी से, इस ड्रामे को कब तक खत्म करोगे, एक देखो गंद फैला रहा है, मुल्कों का
तमाम लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, घर वाले, बहुत सारी फैमिलियां देखते हैं, ये कौन सा मैसेज जा रहा है लोगों की तरफ? अगर इसकी जांच उन्होंने की होती तो आज हम बैठ के क्या बातें करते? क्या बात ही खत्म जी, बिल्कुल ऐसे ही है। दूध और पानी का पानी 5 मिनट का खेल है, मगर पता नहीं क्यों नहीं। सही बात है। हम किस लिए अगर जा रहे हैं इंडिया को, किस लिए जा रहे हैं कि उसको अदालतों के पास घसीट रहे ना, अदालतों पे ले आने की बात कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ मैं लेके जाऊंगा? हम यही कहते हैं कि अदालतें जो इंसाफ करें, हमें पूरा भरोसा है इंडिया की अदालत पे। इन्होंने जो ड्रामा किया, इनका पर्दाफाश करने के लिए हम कोशिश करते हैं ना। हमारा एडवोकेट मोमिन मलिक साहब है, या पाकिस्तान से है शायद भाई है, या कोई अच्छा इनको आईना दिखाता है, ये किसी को भी मानने से इनकार करता है। जब मैं कह रहा हूँ चीख चीख के, अगर अगर मैं उनको तलाक देता तो मेरा क्या जरूरत था दरियाना के बैठने का, बात करने का? शुरू से लेकर आज तक कहता है पहले कहाँ था, मैं तो शुरू दिनों से ही आ रहा हूँ, कब तक? ये बोला हैदर ने बोला था ना, जो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जाहिर सी बात है, आपको कानून के गिरफ्त में तो जरूर आओगे ना, आप आज नहीं तो कल जरूर। ये याद रखना कि आपका पीछा छोड़ेंगे, आपको कैफी किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। कानून के बहुत हाथ लंबे हैं, याद रखना। तू अवाम को भी गुमराह करेगा, कानून को भी गुमराह करेगा, जांच एजेंसियों को भी गुमराह करेगा। इतनी कौन सी खेती मोली की बाड़ी है आप, जो है सबको झूठ बोल के एक लोगों का तमाशा कब तक इंडिया वालों का बनाते कर रहे हैं? आपका कहती है 5 साल पहले छोड़ के गया था, तो बच्ची अभी 3.5-4 साल की है। तो सही ना, उनसे किसकी बेटी है बताओ? आप मेरे जाने से पहले जो किसी दूसरे से शादी कर ली थी क्या? कर भी सकते हैं क्या? अफसोस की बात है, इसको शर्म हया गैरत तो थोड़ी सी सारा फिर उछल के पता नहीं कौन सी बातें ये करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कभी 4 साल का बता देते है, कभी 5 साल का बता देते है, कभी बोलते है मेरे तो कब से तलाक हुई थी, शुरू के दिनों में इनकी इंटरव्यू खुद उठा के देखो क्या कह रहे हैं कि हाँ वो तो मुझे पेट पालने के लिए पैसा देता था, घर मैंने लिया। अभी बोलते घर तो मेरे अब्बा ने लेके दिया, वो रक्षे वाला मेरा अब्बा था। अभी कोई बातें कर रहे हैं कि आपको कौन लेके जाता था, वो रक्षे वाला गायब है, वो तो मेरा अब्बा था। सर इसका शर्म हया के नाम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जब भी आती है लोगों को अभी तक कैसे प्यार में गुमराह कर रहे हैं, अपने को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आईडियो फेक है, इनकी वीडियो फेक है, इनकी हर चीज फेक है, जो भी वो मुंह से बोलता है वो सब सच है। बाकी जो है हम जो भी इधर कहते फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, कल अल्लाह ना करे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ये साजिश पैदा हो। हम कब से चीख चीख के हमारे गले बैठ गए, जब हमारा नहीं हुआ, मुल्क का नहीं हुआ, बच्चों का नहीं हुआ, आपका क्या बनेगा? मुझे औरत से क्या मिलेगा जो मैं इसका पीछा कर रहा हूँ? मेरा 4 बच्चे हैं, उनको तो किसी सूरत में मैं नहीं छोड़ता। इसका मुझे क्या करना है, अचार डालना है क्या इसके अंदर? सही बात है सर आपकी। ये जो कह रहे कि मैं इसका क्या जरूरत है, इंडिया के लोग इनको ना कबूल करेंगे, ना पाकिस्तान इसको कबूल करेगा कभी भी। जो 4 बच्चे हैं छूटे हैं मासूम है, हम कह रहे आज ये ऐसा ढोंग कर रहे, ड्रामा कर रहे, 4 बच्चों, ये यार मैं भी एक बाप हूँ जी, बिल्कुल बस नहीं जाओ छोड़ दू। कोई भी ऐसा कमेंट माँ, अपनी बायशऊर गैरतमंद माँ का एक कमेंट आए ना, फिर भी हैदर खामोश रहेगा क्या? इसके जो ये कहता फिर रहा, मैं खामोश बन के तमाशा ही बनू, चुप करके बैठू, इसको तमाशा देखू और तालियां बजाऊ, भाई आप ठीक कर रहे हो? कभी भी नहीं होगा, ये इसके ख्वाब से भी निकाल दे सीमा, आज नहीं तो कल आपको इंडिया की अदालतों की जेल में पड़ना चाहिए, और जेल में जाएगा भी जरूर। ये याद रखना कि नहीं जाना मुझे, आपने इंडिया के लोगों को गुमराह किया है। यही माएं बहनें बेटियां आज आपको कपड़े देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कल यही आपको चित्तर मारेंगे, लेतर मारेंगे, मुंह पे थूकेंगे आपके। जी बिल्कुल ऐसे ही है यार, अफसोस है।